हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं मेनली बात करने वाला हूँ, जो पिछली वीडियो से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को, कि जैसे पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि आपको कैसे जॉब ढूंढनी चाहिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डेयरी फार्मिंग के जो क्या फ़ायदे और नुकसान है, ये मेनली इन चीज़ों में है। तो ये मैंने दो और तीन दिन चार दिन में ऑलमोस्ट बनाई है ये वीडियो, और hopefully you guys like it and go and watch and please let me know कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू। हाँ जी, टाइम दोपहर का हो चुका है और मिल्किंग हो रही है दोपहर की, और ये मेरे पीछे जो है वो फर्स्ट आर्डर है, ऑलरेडी मिल्क होके आ चुका है। इस टाइम पर जो सेकेंड आर्डर है वो मिल्क हो रहा है, तो मैं इस आर्डर को लो करने आया हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आप कैसे डेयरी फार्मिंग में जॉब ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो में मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि आपको डेयरी फार्मिंग क्यों करनी चाहिए, या मैंने डेयरी फार्मिंग क्यों की। पॉइंट वाइज मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि आपको जो है जॉब सिक्योरिटी इज़ नंबर वन इन डेयरी फार्मिंग, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस माना जाता है यहाँ पे न्यूजीलैंड में। तो थिंग्स लाइक कोविड और नेचुरल डिजास्टर्स और एनीथिंग डजंट अफेक्ट इट, चाहे जो मर्जी हो आपकी जॉब जो है सिक्योर है, और आपको क्या कहते हैं कि ईज़ीली कोई आपको फायर नहीं कर सकता है। फायर वैसे भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो वर्कर्स की है वो काफ़ी कमी रहती है हमेशा फार्म्स को, क्योंकि ये फास्ट पेस इंडस्ट्री है, तो हर कोई मूव ऑन होता रहता है। जैसे अगर किसी ने फार्म असिस्टेंट से शुरू किया है तो 3 महीने बाद वो तीन छः महीने बाद अगर उसने हार्ड वर्क किया है तो वो अगली पोजिशन के लिए परस्यू करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है जॉब सिक्योरिटी इज़ अ टॉप एट द टॉप फॉर मी। और जैसा कि पिछले साल से यहाँ से यहाँ पे जो कोविड चल रहा है उसमें मैंने देखा है कि काफ़ी जो कीवीज और इमिग्रेंट्स की जो जॉब्स काफ़ी इफेक्ट हुई थी, लेकिन वी वर अनअफेक्टेड। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें तो कोई बिल्कुल ज़ीरो इफेक्ट लगा, कि चाहे कोविड है या नहीं है, वी फेल्ट ज़ीरो इफेक्ट ड्यू टू द कोविड। सो सेकेंड चीज़ पे आते हैं अपनी, कि अगर आप फैमिली वाले हैं तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा घर मिल सकता है। अगर उसको मैं थोड़ा सा इन डेप्थ समझाऊँ तो, अगर जैसे अगर आप सेम घर वहाँ सिटी में रेंट करेंगे तो आपको 500 प्लस रेंट देना पड़ेगा सेम घर का, और यहाँ पे अगर आप वो पे करेंगे रेंट उसका, तो आप एनीवेयर बिटवीन $150 to $250 पर वीक जो है कि पे करेंगे उसमें। तीसरी चीज़ पे आते हैं कि लाइफस्टाइल, आप कंपेयर करेंगे कि डेयरी फार्मिंग का जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल ही डिफरेंट है जो कि सिटी लाइफ से है। अगर 8 to 5 वाली जॉब से आप कंपेयर करेंगे तो इट्स मच मोर रिलैक्स दैन दैट। आई नो कि ये थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा सबको, लेकिन मैं अगर आपको थोड़ा सा अपने वर्क स्केड्यूल के बारे में समझाऊँ तो ये बिल्कुल चेंज रहता है, हर सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये विंटर है और कार्स ड्राइड ऑफ है जब हम इनको मिल्क नहीं करते हैं, फॉर क्लैरिटी हम इनको सिर्फ 9 महीनों के लिए ही मिल्क करते हैं। ऑलमोस्ट 3 महीने ये ड्राई ऑफ रहती हैं, जिसमें ये काव होती हैं और ये अपना टाइम लेती हैं जो फुल स्विंग में आने के लिए, दोबारा जब 850 हम इनको मिल्क करते हैं। तो 3 महीने बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड टाइम, 3 महीने में से ऑलमोस्ट 1.5 महीना जो होता है, 1.5 से 2 महीने जो हमारे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स निकलते हैं। लेकिन पे में आपका कोई वो नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, तो आपकी पे जो आएगी वो अकाउंट में बिल्कुल सेम आएगी। डजंट मैटर कि अगर आप 5 घंटे काम कर रहे हैं और 10 घंटे काम कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप मिनिमम डॉलर्स जो कि $20 पर आप अर्न कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर आप कितने आवर्स काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं इसमें ऐड करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मार्च अप्रैल में जून जुलाई में जो ड्राई पीरियड होता है तभी सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे, और लकीली तभी आपको मिल्किंग नहीं करनी पड़ती है, जैसे सुबह आपको जल्दी नहीं उठना पड़ता उन महीनों में, क्योंकि उन महीनों में जो हमारा काम होता है सुबह 8 बजे शुरू करते हैं मेनली, 8:30 बजे कई फार्म्स 9 बजे भी शुरू करते हैं, और 3 से 4 बजे जो आपका फिनिश हो जाता है विद 1 and 1.5 hour लंच डिपेंडिंग ऑन द डे, कई बार तो आपको 2 घंटे का भी लंच मिल जाता है। लेकिन लाइफस्टाइल की दूसरी बात करें कि जो मेजॉरिटी ऑफ द सीज़न आपका जो नॉर्मल डे काम पे होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 4:30 बजे कप्स ऑन कर रहे हैं, 4:30 बजे आपका काम शुरू होगा,
फिर 8 बजे तक नॉर्मली आपकी मिल्किंग ख़त्म हो जाएगी, फिर 1 या 1.5 घंटे का आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, फिर उसके बाद 12 बजे तक आप काम करेंगे ब्रेकफास्ट के बाद, फिर 12 से 2 नॉर्मली आपका लंच होता है, या फिर अगर 11:30 आपने काम कंप्लीट कर लिया है, जहाँ बारिश हो रही है, जहाँ आपका सारा कुछ काम डन हो गए हैं पूरे फार्म के, तो आप जल्दी भी जा सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल होता है इन सब चीज़ों को लेकर, ये नहीं है कि आपको अगर 12 बजे तक काम करना है, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है तो आप 12 बजे तक ही करेंगे, मोस्टली फार्म्स ऐसा नहीं करते हैं, या फिर जितने फार्म्स पे मैंने किया है वो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी फ्लेक्सिबल थे, क्योंकि यू नो दे नो कि अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी कहीं और कभी दिन बिजी हो गया या कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गई फार्म पे, तो आप यू नो यू आर देयर फॉर देम। तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ पे फार्मर्स काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो ये चीज़ एक लाइफस्टाइल में आपको चेंज देखने को मिलेगा अगर आप सिटी लाइफ से कंपेयर करेंगे, सिटी जॉब से आप कंपेयर करेंगे डेयरी फार्मिंग को। तीसरी चीज़ अब आते हैं हम यहाँ पे सेविंग्स को लेकर, क्योंकि आपको यहाँ पे रेंट नहीं देना पड़ता है, आपको ये एक सबसे मेजर चीज़ है यहाँ पे सेविंग्स के लिए, प्रोवाइडेड आपका जो पैकेज है वो सही दे रहा है, फार्मर आपको सही ट्रीट कर रहा है। हाँ जी, दिन आज का हो गया अपना ख़त्म, आप देख सकते हैं मेरे पीछे मौसम थोड़ा ख़राब हो गया, सो लकीली जो हमारा काम ख़त्म हो गया तब तभी थोड़ा मौसम ख़राब हो गया था। तो बात करते हैं अब सारी अच्छी चीज़ों के बारे में, हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि जो डेयरी फार्मिंग के बारे में कौन से प्रोज हैं और कौन से के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे बड़ा आपको पीछे दिख ही रहा होगा मेरे लिए, आज थोड़ा मौसम ख़राब है, कई बार ये मौसम अगर ठंड में भी ऐसा ही मौसम रहा रह सकता है या रहा है इन पास्ट, सो ये एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है नए बंदों के लिए जो भी काम कर रहा है डेयरी फार्मिंग में, स्पेशली इन विंटर जब ठंड ज़्यादा होती है और बाहर इतनी तेज़ हवा भी चल रही है और ऊपर से बारिश भी आ रही हो, तो इट्स कैन बी क्वाइट हार्ड। सो सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर कोई भी नया बंदा इसमें शुरू कर रहा है डेयरी फार्मिंग में। दूसरी बात पे आते हैं कि जैसे अगर कोई नया बंदा इसमें स्टार्ट करने की सोच रहा है तो अगर सिटी लाइफ से चेंज कर रहा है तो कैन बी क्वाइट हार्ड एंड चैलेंजिंग एट द टाइम, क्योंकि वो एकदम हसल बसल वाली लाइफ से निकलकर एकदम आइसोलेटेड एरियाज में जॉब करने जाता है। नो मैटर अगर वो जॉब सिटी के पास वाले फार्म पे भी है तब भी उसको थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। इसकी इसको टैकल करने के लिए एक चीज़ मैं रेकमेंड सबको करता हूँ कि अगर किसी ने डेयरी फार्मिंग में एंटर करना है तो मेक श्योर यू एंटर एट द राइट टाइम। और राइट टाइम कब होता है कि जब गाय ड्राई ऑफ होती हैं, कैंटरबरी में वो टाइम होता है 1 जून से लेकर जो नए सीजन की हायरिंग होती है, बाकी आई थिंक डिफरेंट रीजंस में ज़्यादा कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 जून से ही जो सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है, और उसको यहाँ पे न्यूजीलैंड में जिप्सी डे भी बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम सबसे ज़्यादा जो मूविंग होती है हाउस मूविंग होती है, क्योंकि स्टाफ ने कहीं और शिफ्ट होना है या कोई नया स्टाफ आ रहा है फार्म पे इन सब चीज़ों को लेकर। तो उस ये इस चीज़ को टैकल करने के लिए कि आप अपने आप को कैसे कंफर्टेबल बनाएं डेयरी फार्मिंग में, मेक श्योर यू ज्वाइन फ्रॉम 1 जून, क्योंकि एक तो तब काम बहुत कम होता है क्योंकि मिल्किंग आपको करनी नहीं होती है, सिर्फ काम होता है फार्म पे ज़्यादातर फार्म मेंटेनेंस, और जहाँ फिर अगर आप ड्राई ऑफ गाय का जो फीड वगैरह देखते हैं वो ज़्यादा दिन में काम नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 घंटे का होता है मैक्सिमम, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉल्स ऑफ कोर्स। और जो आपका स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम होता है वो 8 बजे आप शुरू करेंगे और शाम को 4-4:30 बजे आपका जो दिन जो है फिनिश हो जाएगा विद 1 आवर ब्रेक और 1.5 आवर ब्रेक डिपेंडिंग ऑन द डे ऑफ कोर्स, कई बार कम मिलती है कई बार ज़्यादा भी मिल जाती है ब्रेक, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया टाइम एंटर करने का है डेयरी फार्मिंग में 1 जून से वो हो सकता है। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। बाकी अगर तीसरी प्रॉब्लम पे आए तो आपका जो सोशल सर्कल है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड एरियाज में रहना पड़ सकता है आपको, फॉर एग्जांपल अगर आप डाउन साउथ चले जाएं, वेस्ट कोस्ट चले जाएं, या फिर अप नॉर्थ में फार नॉर्थ चले जाएं, या कुछ ऐसे इलाकों में चला जाएं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, या आपकी अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडियन है तो वहाँ पे इंडियन बहुत कम है, तो आपको सोशलाइज करने के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा, टाइम तो आपको मिलेगा लेकिन आपको अपने लोग नहीं मिलेंगे वहाँ पे सोशलाइज करने के लिए, तो आपका जो सोशल सर्कल या सोशल लाइफ है वो थोड़ी
कॉम्प्रोमाइज होती है, तो ये हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट। तो ये तीन पॉइंट जो मेनली इसके मुझे डाउनसाइड के लगे, तो लेकिन फिर भी यू नो डेयरी फार्मिंग मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स नॉट फॉर एवरीवन, हर एक जॉब हर एक के लिए नहीं बनी है मेरे हिसाब से। तो यू नो यू गॉट टू जज योरसेल्फ कि आपको क्या अच्छा लगता है या आप किस सिचुएशन में क्या चीज़ कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो ये हो गए अपने डेयरी फार्म के प्रोज एंड कॉन्स। बाकी हम आगे वाली आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें थोड़ी कोशिश करूँगा बात करने की कि क्या स्टीरियोटाइप है डेयरी फार्मिंग को लेकर, क्या मिसकंसेप्शंस है अपनी जो इंडियन कम्युनिटी के बीच में थोड़ा सा वो है कि यू नो डेयरी फार्मिंग इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन और इट्स अ हार्ड वर्किंग जॉब और ये सब चीज़ें। और बाकी मैं उसमें बात करूँगा कि आप व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट इफ़ यू हैव एक्सेप्टेड अ जॉब और आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए अगर आप ऑलरेडी आ चुके हैं इस फील्ड में। और वीडियो को एंड करते हैं एंड आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। और बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। अंटिल देन एंजॉय द सनसेट।